अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मेरे यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में डालते हैं घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। जी, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हमने जो प्याज काट कर रखे थे वो बीच में ऐड कर देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। जब ये ब्राउन होगी तो हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जी, प्याज हमारी ब्राउन होगी, लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे इसमें। इसको भी ज़रा साथ भूनेंगे, इसको ब्राउन करेंगे। अदरक मिर्चों का पेस्ट जो हमने डाला था उसको हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम टमाटरों का पेस्ट अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर अंदर डाल के अच्छी तरह भून लेंगे इसको। थोड़ा सा पानी अंदर ऐड करेंगे, मसाला जलेंगे। अब स्पाइसी ऐड करेंगे। एक एक चम्मच हरा मिर्च का ऐड करेंगे। एक चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। और एक एंड हाफ चम्मच नमक का ऐड करेंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा डाल देंगे। अब ज़ीरा पीसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। एक चम्मच पीसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। जी, हमने चिकन को मसाले में डाल के अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए चिकन भून लिया है हमने। अब हम गोभी डाल देंगे अंदर, जो हमने काट के धो के रखी हुई थी वो बीच में ऐड कर देंगे। अब इसको भूनेंगे। जी, गोभी को हमने भून लिया है। अब हम लोग ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि गोभी हमारी गल जाए। अब ढक्कन देके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी देखिए, हमारी गोभी तैयार है। हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। धनिया जो हमने काट के धो के रखा हुआ है वो तो धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। कर लेंगे इसको। जी, अब हम डिश ऑफ करेंगे।
जी देखे हमारे सालन के फाइनल लुक, हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। देखे कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, के तो बहुत मज़ेदार बना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह।